नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज। आज डोडा में, जम्मू कश्मीर के डोडा में एक हादसा पेश आया जिसमें एक बोलेरो गाड़ी जिसका नंबर JK02CC0701 वो करीब 200 से 300 फीट गहरी खाई में जाकर गिरी। ये हादसा डोडा के असर के पास पेश आया। हम आपको बता दें कि इस बोलेरो में 4 लोग सवार थे जिनमें से 3 की मृत्यु हो गई और 1 को डोडा मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट के लिए अब भेजा गया है। जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम मोहम्मद रफ़ीक, जो PWD के एक्सियन हैं, और AWR&B डिपार्टमेंट कमल शर्मा उधमपुर के रहने वाले, और इसमें एक ड्राइवर हाफिज़। इन तीनों की मृत्यु हो चुकी है और सुरेश कुमार जो SC हैं PWD डोडा के, वो इसमें ज़ख्मी हुए जिनको अब इलाज के लिए भेजा गया है अथॉरिटीज़ द्वारा। हम आपको बता दें कि एक्सीडेंट का कारण बताया जा रहा है कि जो गाड़ी थी वो रोड से स्किड हो गई और चिनाब दरिया की खाई में जाकर वो गिरी। तुरंत ही ऑपरेशन चलाया गया प्रशासन द्वारा, लेकिन 3 लोगों की तब तक जान जा चुकी थी और 1 ज़ख्मी हो चुके थे। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूं हिमांशु शर्मा कैमरामैन चंचल सिंह के साथ डोडा जम्मू कश्मीर से।